Good morning, guys. Today we are in the outdoors of Indore for a glorious day of cricket. आज एक बहुत ही स्पेशल मैच होने वाला है क्योंकि इंडिया के एक लेजेंड, एक अमेजिंग बैट्समैन, फैंटास्टिक फील्डर और एक बोलर, बिकॉज ही बोल्स पीपल ओवर विद हिज चार्म, विट, गुड लुक्स, स्टाइल. कर लाएगा मिस्टर अजय जडेजा सर. आप आए, मैं आपने बुलाया तो हम आ गए और मैंने देखा रवीना है उधर, तो मैं कहाँ है. आज की रवीना आप है. सो वेलकम टू कारखाना, ब्रॉट टू यू बाय कार एंड बाइक, India's largest network of used car stores. बहुत ही unique show है sir. It brings the best of two worlds, cars and खाना. तो हम लोग बस गाड़ी चलाएंगे और फिर कुछ interesting खाएंगे. खाने में हमारा interest ज़्यादा रहता है. But before we start sir, मैं I'm a fan. तो ये moment मैं miss नहीं करना चाहता था. One autograph sir, please. हाँ नहीं, कोई check पे लेता नहीं आजकल, follow पे ही चल रहे हैं sign. Thank you, sir. This is amazing. Pleasure. Sir, आप इंदौर आए होंगे हमेशा for matches and stuff like that, but देखा है आपने इंदौर? इंदौर क्या देखा हमने? Ground, hotel, station, क्योंकि ट्रेन में भी आते थे, एयरपोर्ट और वापस, या सुबह सुबह कचौड़ी खाने कभी कभी चले गए. ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर मी कि मैं आपको इंदौर दिखाऊं इस शो में. लाइक आई टोल्ड यू, इट्स अबाउट कार्स एंड खाना. तो हम एक कार लेंगे यहाँ से, वी आर एट द कार एंड बाइक शोरूम, और फिर हम घूमने जाएंगे. आज आपको मैं इंदौर दिखाऊंगा. आइए चलो, लेट्स गो. You had an amazing career as an athlete, also acted in movies. Now you're commentating still around the sport. What is your fuel? Fuel is, I think, is that if I love doing what I'm doing on that day, that's the fuel. And that's what the fuel was when you're playing as a kid. Merely, I think love for doing what you're doing on that day is very important. Sir, the World Cup fever is on. और हमारे देश में जब वर्ल्ड कप आता है तो अलग क्रेज हो जाता है. हर जगह यहाँ पे स्क्रीनिंग हो रही है, हमारे दोस्तों के बीच में प्लान बन रहे हैं, अच्छा उस दिन वो वाला मैच है, इंडिया और ये वाला देखना है. So, this is us. हम पागल हो जाते हैं. As a player, you have represented India, you played World Cups. What is going on? What do you feel about it? It's a different mindset because अब मैं बाहर हूँ, मैं आपके साथ हूँ, मैं भी यही करता हूँ कि वर्ल्ड कप आ रहा है, क्या होने वाला है, क्या नहीं. So I think it is one of those experiences कि यार जो आप करना चाहते थे बचपन से, वो आप अगर blessed हैं कोई 10 बार, कोई 20 बार, कोई 100 बार, सचिन तेंदुलकर है तो 400 बार वो कर गए, और उसका जो मजा है वो कभी खत्म नहीं होता, ना वो नीचे आता है. Wow. ये हाई है, वो हाई दोबारा मिलती नहीं कहीं. We're in a car and bike showroom. बहुत सारी ऐसी गाड़ियां हैं. A lot of times as families you wanted that big car but you couldn't afford it because the new car was really expensive, but you got a really decent car. And what is your take on pre-owned cars? I think it's a great idea because you know, like I had my first car also was a pre-loved car by someone else, and I think we all start with that. So if you can't get the best, there are some people who wait for it. Wait करते हैं कि नहीं वो time आएगा तो मैं नई गाड़ी लूँगा. मैंने just जिस time पर एक pre loved Lancer ली थी, Lancer. उस time पर मेरे Lancer was the best car. फिर मैंने एक SLK ली, जो अगर मैं वेट करता नई लेने का तो उस टाइम पे मेरा वो वाला फेस लाइफ में चले जाता. Yeah, because cars are just tools. I mean, right? You got to use them. And there's no use having a car in your garage and saying I have 50 cars. अब चलाओगे तो एक तो पहले अकेले ही निकलोगे, कोई बैठेगी तो बाद में. टू सीटर कन्वर्टेबल सर. या मैं और मेरी तन्हाई और बाद में इसी में जो आई ठीक है. ओवर और पोएट्स, वी शुड राइड टुगेदर. आज भी हम एक प्री लव्ड कार में जाने वाले हैं, बट उसके लिए आपको एक चैलेंज करना पड़ेगा. इफ यू विन द चैलेंज यू गेट टू चूज. नहीं, साथ में बैठने वाली चूज मैं करने को मिलेगा गाड़ी? नहीं, अब साथ में तो मैं ही बैठ रहा हूं. मैं सोचा रवीना आएगी, नहीं आई. आज का जो चैलेंज है इट्स वेरी सिंपल फॉर यू. आई एम गोना ब्लाइंड फोल्ड यू, उसके बाद आपको ब्लाइंड फोल्डेड 1, 2, 3, 4, 5 करने हैं. अगर आपने कर दिया, आप चूज करेंगे कि आज हम कौन सी गाड़ी में इंदौर में घूमेंगे. अगर आप हार गए चैलेंज, घबराइएगा मत, मैं चूज करूंगा. आप ही कर लो पहले. नहीं नहीं गाइस, वो जो फोटोज लेनी है वो ले लो अभी. जस्ट अ जोक सर. रेडी सर? हाँ. ऐसे नहीं हो सका 1, 2, 3, 4, 5. आई न्यू इट. नहीं, न्यू इट. 2, 3, 4, 5. ओह, 1, 2, 3. ओह, एज्ड अगेन.
4. Oh yes, it's done. It is done. I was giving high five. Yeah. Sir, we just need an autograph on this. It's pay. It's needed. It's a technical thing. Oh wow! Thank you so much, sir. Pleasure, sir. Now let's choose the car. अरे कौन सी गाड़ी मिलेगी आज? But tell me. जी. How did you meet your first car? Oh, it's a long story, and actually, it's a story of my learning of life as well. 16 साल का था, रणजी ट्रॉफी खेल रहा था. First car at 16. You know, average kid, 10th class में गाड़ी नहीं लाता, लेकिन मेरे को फरीदाबाद खेलने जाना होता था. बगल में एक अंकल थे. उनके पास वो बकेट सीट्स वाली और फ्लोर गियर में एम्बेसडर थी, तो वो गाड़ी खरीदी 32,000 रुपए में. एयर कंडीशन लगा हुआ था. वाओ. और उसमें म्यूजिक सिस्टम भी था. तो वो बेच रहे थे, वो लेके आ गया घर. आया तो घर पे डैड ने पूछा, ये गाड़ी किसकी है? तो मैंने कहा मैं लेके आया. क्या बात है, गाड़ी खरीदी, वेल डन, ये वो, कौन चला रहा है? मैंने कहा मैं चला रहा हूँ. कहते कितने साल का है? मैंने कहा क्यों 16 साल का. तो कहते लाइसेंस. लाइसेंस की क्या जरूरत है, गाड़ी खरीद ली, गाड़ी अपनी है. सो दैट वाज द लास्ट डे माय डैड सेड के अच्छा अब तुम्हें दुनियादारी की इतनी समझ हो गई है, तुम्हें ठीक लगता है तो तुम चलाओ. और मुझे समझ नहीं आई कि वो क्या मतलब था. ये जाने के बाद समझ आई कि उस दिन रिलेशनशिप चेंज हो गई, क्योंकि 16 साल में इलीगल है यार. Yeah. ना लाइसेंस है ना कुछ है. एंड यू वांट टू लर्न योर लेसन. ही वांटेड मी टू लर्न. आई विश आई हैड लर्नड द लेसन दैट डे. Still trying to figure out. So sir, we are at the car and bike store. यहाँ पे काफी सारी गाड़ियाँ हैं. कुछ पसंद आ रहा है कि नहीं? सर हम फिएट के जमाने के आदमी हैं, कुछ भी चलेगा. लेकिन यहाँ पे मेरे को ना मैं गाड़ियाँ देख रहा हूँ. Options. Options देखो इतनी सारी हैं. Best thing about them is that ये used car जब किसी को बेचते हैं कुछ करते हैं, all the checks are done, everything. ये सारे कागज पूरे कर देंगे. सब कुछ. इसको used car क्यों बोलते हैं? ये इसको बोलना चाहिए pre-loved. पहले कोई और प्यार करता था इससे. wow. अब आप प्यार करने लग जाओ इन गाड़ियों से. क्यों प्यार तो करता है ना आदमी जब exactly. गाड़ी लेता है. exactly. ये गाड़ी ठीक लग रही है. ये कौन सी है भाई? wow, that ये गाड़ी है. believe it. it's a Mustang, by the way. Mustang. we must hang together. we hang together, man. ये वो घोड़े वाली गाड़ी है ना. ये घोड़े वाली गाड़ी है. Was it always a plan कि मैं बड़े होके क्रिकेटर बनूंगा? कि did it happen to you? What happened? कोई प्लान नहीं था, आज की तरह है. खेलने का शौक तो था, कुछ ना कुछ खेलते रहते थे. फिर एक बार एक्चुअली इंदौर ने ग्वालियर आया था. हाँ जी. मेरे फादर ले आए थे. मैं बोर्डिंग स्कूल से था, बोर्डिंग स्कूल से ना भाग जाता था. जब साथ में लेके आए ना तो वो क्रिकेट खेलने आए थे. तो उस तरह फिर मैं अपने कोच से मिला, क्योंकि उनको उन्होंने बोला होगा यार ये भाग जाता है, स्कूल नहीं जाता, कुछ नहीं करता. तो वो मेरे बगल में बैठे थे, सरदार जी थे. ऐसे करके बोलता कि अगली बार जब स्कूल से भागेगा ना तो नेशनल स्टेडियम आ जाना, हम वहाँ क्रिकेट खेलते हैं सारा दिन. मैं देखो ये सरदार जी गुड मैन है. नहीं तो जो मिलता था यही बोलता था कि यार ये नहीं करना वो नहीं करना. मैं कहा ये सही बंदा है. सो दैट्स हाउ आई एंडेड अप गोइंग टू हिम. और फिर लाइफ इस रास्ते पे चल पड़ी. अभी स्पोर्ट्स में, क्रिकेट में यू आर ऑलवेज टूरिंग और अब्रॉड खेल रहे हो, बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग होती है, तो काफी सारी गाड़ियां देखी होंगी आपने लाइफ में, बाहर की भी, ऐसे जो इंडिया में नहीं आई. लॉट्स ऑफ टूरिंग स्टोरीज मस्ट हैव. कार में ये होता था, इंग्लैंड जब लीग खेलने जाते थे और वहां पे मतलब प्रोफेशनल स्पोर्ट कहते थे. yes. तो प्रोफेशनल क्या था, सैटरडे संडे खेलना. और 6 महीने वहां रुकना है या 5 महीने रुकना. तो घर दे देते थे और एक गाड़ी. जैसे यहाँ कार एंड बाइक है ना, वहाँ पे कोई ना कोई आपको एक गाड़ी दे देता था, उसमें आपका नाम लिख के. तो आप जहाँ भी जा रहे हो वो गाड़ी का नाम लगा हुआ होता था. Wow. बेगम जो है हमारी, हाँ जी, वो उस टाइम पे इंग्लैंड में काम करती थी. तो वो लंदन में थी, मैं डार्लिंगटन में था. तो सैटरडे संडे खेलना और संडे रात को वहां से निकलना, फ्राइडे नाइट को लंदन से निकलना. 350 माइल इस तरफ, 350 माइल इस तरफ हो गया. और फिर लंदन में भी तो घुमा रहे हो आप. हाँ, लंदन में भी घुमा रहे हैं. तो मतलब 1,000 माइल हर हफ्ते कम से कम वो गाड़ी चली. तो 10 हफ्ते में मैंने उनकी नई ब्रांड न्यू गाड़ी दी थी उन्होंने. जब मैंने उनको वापस 10 हफ्ते बाद दी तो प्री-लव्ड हो गई वो. प्री-लव्ड हो गई. और उसके बाद किसी ने गाड़ी दी नहीं किसी प्लेयर को. उन्होंने कहा इनको ना प्री-लव्ड गाड़ियां दो, नई गाड़ी मत दो. सर ये बहुत ही स्वीट स्टोरी है. ये बताइए कि पहली बार आपकी गाड़ी में मैम कब बैठी थी? मेरी पहली गाड़ी में बैठी थी एक जिप्सी आती थी हमारे टाइम में. तो वैलेंटाइन डे आ रहा था उस जमाने में ना, ये नया नया वैलेंटाइन डे का, और वो पहला और आखिरी था वैलेंटाइन अपनी जिंदगी में. वैलेंटाइन डे आ रहा है, उससे एक दिन पहले जाके ना जिप्सी ओपन टॉप लेके, अच्छा वेदर दिल्ली का, लेके इसको कॉलेज से मैंने पिक किया.
मिरांडा सबके सामने मिरांडा हाउस। सर कॉलेज में मिरांडा हाउस में पिक तो इसे किया लेकिन बाकी को भी सबको पता लग गया। पता लग गया भाई बंदे के पास गाड़ी है। लेकिन वो गाड़ी खरीदने के लिए मैंने जो पैसे बचा बुचू के शेयर्स खरीदे थे रिलायंस के, वो अब मैं पीछे देखता हूँ तो मैं कहता हूँ यार अगर मैंने वो गाड़ी, ये वैलेंटाइन्स डे आपकी पूरी फैमिली को बहुत महंगा पड़ा सर। सर बहुत महंगा पड़ा। You actually sold those Reliance shares? सर देखो मेरी, मैंने आपको पहले भी कहा है कि हम उस दिन के लिए जीते हैं, अभी जी रहे हैं। वो कट्ठे किए थे किस लिए कि भाई ये कब काम आएंगे, ये तो अब जब स्टोरी बताई है तो उसने खुद बोला कि पागल है वो शेयर क्यों बेचे थे, हम DTC में चले जाते भटकल ही तो जाना था। और वो जिप्सी की आपने बात की, जिप्सी ना स्टेपनी भी होती थी एक, वो पीछे इट वॉज पार्ट ऑफ द लुक। और वो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपने अपने आप को कई बार एक्सप्रेस किया है कि यार मैं इंडियन टीम की स्टेपनी हूँ। यू नो कहीं पे बात हो रही थी कि क्रिकेट में आप कैसे खेलते थे, ये था वो था। मैंने कहा मेरी क्रिकेट तो जैसे लाइफ है वैसे ही थी। डेवी भाई गया था फास्ट बॉलर बनने, बन गए ओपनिंग बैट्समैन। फिर इंडियन टीम में जब मैं पहली बार गया तो एज अ फास्ट बॉलर गया, फिर ओपनर था। आखिरी पार्ट ऑफ माई करियर में पीछे 5, 6, 7 नंबर जहाँ बारी आती थी वहाँ खेलता था। वो अपॉर्चुनिटी भी एक कमाल की है सर। बिल्कुल है, वो जैसे पिक्चर में नहीं होता, क्लाइमैक्स के टाइम ही जिसकी एंट्री हो रही है तो आपका अच्छा हो या बुरा हो आपके बारे में बात जरूर हो। पर ये एनालिसिस मुझे अच्छी लग रही है स्टेपनी वगैरह वाली। हमारी टीम में अभी इंजन कौन है? इंजन तो विराट कोहली है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। अच्छा वेरी नाइस। जो अगला मैं पूछने वाला हूँ वो विराट कोहली डेफिनेटली नहीं है, कूलेंट। आई थिंक हार्दिक पांड्या सडनली हैज बिकम द कूलेंट है। He was also an angry young man. जब तक कॉफी पीता था ना तब वो अलग था, अब गुजराती में चाय पीने लगा है ना तो वो अब कहता आवा दियो। हमारी टीम में स्टेयरिंग व्हील कौन है? रोहित शर्मा है, कप्तान नहीं होना। सर यू आर आज हमारे कप्तान आप हो आज। मैंने ये सुना है कि आप मल्टीलिंगुअल हो सर, तो मैं आपको एक लाइन दूंगा। आपको यही लाइन, अलग अलग लैंग्वेज जितनी भाषा है उसमें आप बोल सकते हो, आई लव यूज्ड कार्स। मने तो छे ना वापरे ली गाड़ी हूँ, बहुत मजा आवे हो चलावे। भाई छोरे जे गाड़ी किसी ने पहले चलाई हो ना तो वो गाड़ी रवा होती है। ओए होए झकास। ओ जेड़ी गाड़ी पुरानी होए ना ओदी पर्सनालिटी ना निखर के पहले ही आई हुई है तो ओनू रवा नहीं करनी पैंदी, ओनू दे एक्सीलेटर लाओ पचाओ। मतलब काम चला हुआ है हमारी, पढ़े लिखे तो है नहीं। और कोई फॉरेन लैंग्वेज? नहीं फॉरेन लैंग्वेज कोई नहीं यार, क्योंकि फॉरेन लैंग्वेज में प्रॉब्लम ये है जितनी दुनिया मैंने देखी है ना वो सारी ब्रिटिशर ने रूल करी हुई है। सिर्फ एक साउथ अफ्रीका ऐसी थी जहाँ डच बोलते थे। ओके तो बाय डंकी सीखा था बस, वो उसके अलावा कुछ नहीं आता। देखो ऑन दैट नोट जैसे कि मैंने बोला विल बी ड्राइविंग अराउंड और बिकॉज हम इंदौर में आए, इट्स नोन फॉर स्ट्रीट फूड, वी आर गोइंग टू गो टू अ प्लेस कॉल्ड छप्पन। 56 different stalls of different things, street food, और हम लोग जाके खाएंगे चाट ये वो। Are you ready? मैं आपके साथ हूँ पीछे पीछे। आपके पास चॉइस भी नहीं है। Welcome to world famous छप्पन। इंदौर की शान है, यहाँ पे बहुत लोग आते हैं। Every time you talk to somebody from इंदौर वो बोलेंगे कि यार छप्पन जाके hang out करते हैं। वैसे मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी चाट नॉलेज कैसी है। We're always chatting with each other since morning. देखते हैं who knows more chart words. You say one, I'll say another one. Let's go. UPSC की चाट। पापड़ी चाट? बल्ला पापड़ी। आलू चाट? मशरूम की चाट। मशरूम की भी चाट होती है? बिल्कुल। जितना ज्यादा मैं चाट के बारे में बात कर रहा हूँ उतना ज्यादा मुँह में पानी आ रहा है। सो हम लोग सारे स्टॉल्स हैं उस पे जाएंगे, we'll see what we want, we'll order some stuff, फिर एक साथ बैठ के चाट भी खाएंगे और चैट भी करेंगे। Let's go. Let's go. Let's start. यहाँ का पोहा वैसे ही बहुत अच्छा। Growing up, आपके घर में क्या रिवाज था, कैसे खाते थे, what is the culture? I think अजीब और गरीब है, you know, blessed हैं हम लोग। घर हमेशा खुला हुआ था तो खाने पूरा दिन चलता था। डाइनिंग टेबल जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था कि जब जिसको भूख लगी है जब जो फ्री है तब वो खा ले, तो चलता रहता था खाना। तो जो आ गए उसका खाना बना उस टाइम, आपने बनाया और खा लिया। आप आए थे यहाँ पे एक मैच खेलने और वो मैच ना कुछ 6 गेंदों के बाद रद्द कर दिया गया था। ऐसा क्यों? इसलिए हुआ था कि वो पिच कहते हैं उस टाइम अच्छी नहीं थी।
एम्पायर्स को ऐसा लगा कि किसी को चोट लग सकती है, ये अंडर प्रिपेयर्ड पिच है या जो भी है। ऐसे टाइम पे जब जैसे सडनली आपको पता है कि आपको हमें मैच वैच खेलना है लेकिन आप फ्री हो गए, तो फिर आप क्या करते थे? कोई ऐसा कुछ था कि चलो बाहर जाके लेट्स ईट समथिंग टुगेदर, एक साथ कुछ करते हैं? जाया करते थे, बट यहाँ पे इंदौर का मुझे याद है कि शाम को नहीं बट सुबह सुबह हम गए थे, क्योंकि उस टाइम में यहाँ के जो खिलाड़ी हैं नरेंद्र हिरवानी हमारे, उन्होंने बोला था कि सवेरे सवेरे राजबाड़ा की कचौड़ी जो है ना वो खाने जाना, तो वो याद आता है एक दिन सुबह सुबह, और वो 7:30-8 बजे बंद हो जाती, खत्म हो जाती। भाई जो चीजें नहीं खाई है वो आप खाने की कोशिश करते थे, या जिस चीज को कहीं गए टेस्ट, जैसे अलीम था आलू के अंदर भर के कुछ कमाल किया, कमाल है। खासियत इधर की यही मजेदार में, आप अच्छे मूड में लग रहे हो सर, तो मैं सोच रहा हूँ कि लगे हाथ है ना फिर, why not? एक और सर प्लीज सर, चक्कर क्या है? एक बात बताया यार, इतने ऑटोग्राफ तो मैंने 20 साल में नहीं दिए जितने आज ले लिए तूने। सर मेरे दो दो बच्चे हैं सर, तो मैं सोच रहा था कि कुछ मर्चेंडाइजिंग में थोड़ा सा, एक आजकल इंटरनेट पे बहुत चलता है ये चीजें, तो थैंक यू सर। सर दो दो बच्चे हैं उसकी जरूरत नहीं है, दो दो बीवियां हो ना उसको ये फिक्र रहती है, दो दो घर चलाने मुश्किल है। यू आर राइट सर, यू आर राइट। अब कुछ मीठा हो जाए। एक एक्चुअली यहाँ बड़ी अच्छी चीज है, एक जगह मैं भी तो ले चलूं आपको, नेकी और पूछ, और ये हमारा क्रू एंजॉय कर लेगा। Cheers, sir. Yes, sir. आपने रेकमेंड किया है, मस्ट बी अमेजिंग, लेट्स गो फॉर इट, ट्राई करो। वाओ, देखो शिकंजी वैसे बोलो ना तो क्या होता है, लगता है कि नींबू नींबू पानी या सोडा या मीठा होगा। हाँ. यहाँ की शिकंजी जो है ना, इट्स ऑलमोस्ट लाइक, एक्सप्लेन करने के लिए, पेड़ा है आपके पास। हाँ. पेड़े को आप पिघाल दो। हाँ. और उसको फिर ठंडा कर दो, ठंडा कर दो। तो ये ठंडा पेड़ा आप पी रहे हो, यहाँ पे शिकंजी बोलते हैं पता नहीं क्यों। After an amazing amalgamation of all the things that we ate, all the snacks, perfect dessert. Thank you so much, sir. Good choice. But what's next for you? अभी देखो इस वक्त तो क्या हो रहा है, वर्ल्ड कप चल रहा है, वर्ल्ड कप देखेंगे, इससे आगे कुछ आता नहीं, ना कभी कुछ किया है ना कभी कुछ करेंगे। What is your next car? Depends how much you pay me today. सारा दिन काटा है आरवी के साथ, तो आई थिंक आरवी इज द नेक्स्ट वन। पिछले दो साल में पेंडेमिक हैज फोर्स्ड यू टू ट्रैवल बाय रोड, एंड आई थिंक ट्रैवलिंग बाय रोड इन दिस कंट्री इज ब्यूटीफुल। सो आई जस्ट वांट टू से थैंक यू सो मच, थैंक यू, इट्स बीन अ पार्ट ऑफ कारखाना बाय कार एंड बाइक, इंडियाज लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ यूज्ड कार स्टोर्स। और आप लोग स्टे ट्यून्ड, बिकॉज वेरी सून आई विल बी इन अनदर सिटी विद अनदर अमेजिंग पर्सन, अ फ्रेंड ऑफ माइन, एंड ड्राइव करेंगे और वहां पे कुछ अमेजिंग खाएंगे। फॉर नाउ बाय, थैंक यू सो मच सर। इंदौर में बहुत और चीजें हैं, मैं दिखा रहा हूँ। आओ जी चलो जी।